जी सर, पहला आंसर ये बताओ, कैन इंटरफेस हैव कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक इंस्टेंस ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक। कंस्ट्रक्टर के अंदर, सॉरी इंटरफेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर या स्टैटिक ब्लॉक या इंस्टेंस ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हेलो, यस सर, कर सकते हैं। वैसे ही तुक्का। पर नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते क्या 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 बोले, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? हैं, उसको एक्सटेंड करा सकते हैं ना, इम्प्लीमेंट। तो वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, वो क्लास की बात हो गई। हम कह रहे हैं इंटरफेस के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कंस्ट्रक्टर? इंटरफेस के अंदर, अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, बट क्या इंटरफेस के अंदर भी हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक या इंस्टेंस ब्लॉक? नो आइडिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम, इंटरफेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ, कैन वी रीअसाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल ऑफ इंटरफेस? मतलब इंटरफेस के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, क्या उसकी वैल्यू को हम फिर से असाइन कर सकते हैं? नो रीअसाइन सर, क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि उसको पहले से ही फाइनल स्टैटिक वेरिएबल बनाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं इंटरफेस के अंदर, उनको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। रीअसाइन का मतलब दोबारा से वैल्यू नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं इंटरफेस में, वो स्टैटिक और फाइनल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर एवरी इंटरफेस इन जावा, डॉट क्लास फाइल बी जनरेटेड आफ्टर कंपाइलेशन, ट्रू और फॉल्स? मतलब जैसे हम, हमारी जो क्लास फाइल, हमारी जो जावा फाइल होती है, ठीक है, जब हम क्लास बनाते हैं तो उसकी जावा फाइल बनाते हैं, डॉट जावा फाइल बनती है, तो जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बन जाती है। तो क्या जब हम इंटरफेस बनाते हैं और उसको कंपाइल करेंगे तब भी डॉट क्लास फाइल बनेगी या नहीं बनेगी? इंटरफेस के लिए डॉट क्लास फाइल बनती है या नहीं बनती है, क्वेश्चन ये है। क्या होगा आंसर? बनती है। ठीक है, डॉट जो इंटरफेस होता है उसके लिए भी डॉट क्लास फाइल बनती है, और जो हम क्लास बनाते हैं उसके लिए भी डॉट क्लास फाइल बनती है जब हम कंपाइल करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ओवरराइड एन इंटरफेस मेथड अदर देन पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर? मतलब क्या है, मतलब क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन समझो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंटरफेस के अंदर हम मेथड डिफाइन करते हैं, तो वो कैसा होता है मेथड? मेथड कैसा होता है इंटरफेस के अंदर? पब्लिक, पब्लिक, हाँ ऑफसेट। ठीक है, वो कोई जो मेथड होता है M1 और ये बॉडी देती है। जब हम इसको ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड का मतलब इसको चाइल्ड क्लास में बॉडी देते हैं, चाइल्ड क्लास में बॉडी देते हैं, तो क्या उसका हम एक्सेस मॉडिफायर चेंज कर सकते हैं? पब्लिक के अलावा कुछ दे सकते हैं? जैसे चाइल्ड क्लास में हमने मेथड M1 को बॉडी दे रहे हैं, तो यहाँ पे मान ले M1 लिखा हमने और इसको हम बॉडी दे रहे हैं, कुछ भी बॉडी, तो यहाँ पे तो पब्लिक है, तो जब इसकी चाइल्ड क्लास में इसको हम बॉडी देंगे तो अबस्ट्रैक्ट तो हट जाएगा, अबस्ट्रैक्ट हटा देंगे। ठीक है, तो ये जो पब्लिक होता है, एक्सेस मॉडिफायर है, इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? क्या इसकी जगह हम प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या इसका डिफॉल्ट वो कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक को चेंज कर सकते हैं जब इसको ओवरराइड करेंगे इंटरफेस के मेथड को? क्वेश्चन आया समझ में? आ ठीक है, तो क्या रहा पहले तो क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो बताओ आंसर क्या हो सकता है?
कौन सा नहीं था? तो कर आइडिया सकते, नहीं है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्यों इसलिए नहीं कर सकते कि नो, आंसर क्या हुआ? नो। वाइल ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग किसे कहते हैं? ओवर राइडिंग के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ये जान लो ओवर राइडिंग का मतलब होता है कि या तो इंटरफेस में या किसी क्लास में आपने एक मेथड डिफाइन किया है, या कहें पेरेंट क्लास में कोई मेथड डिफाइन किया है, उसको चाइल्ड क्लास में आप उसको अपडेट कर रहे हो, मतलब उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, नाम वही है मेथड का, सब कुछ वही है, बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो उसको ओवरराइडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर अगर हमने कोई मेथड डिफाइन किया एम वन, वाइल ओवरराइडिंग एनी इंटरफेस मेथड वी शुड यूज पब्लिक ओनली। जब उसको ओवरराइड करते हैं चाइल्ड क्लास में, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल इंटरफेस मेथड आर पब्लिक, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो पब्लिक होते हैं बाई डिफॉल्ट। ठीक है, पब्लिक बाई डिफॉल्ट, सो वी कैन नॉट रिड्यूस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरफेस मेथड। सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी किसकी, के कौन से एक्सेस मॉडिफायर की होती है? ऐसा कौन से मॉडिफायर है जो हर जगह पब्लिक, पब्लिक का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो सब जगह एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर, पैकेज के बाहर, सब क्लास में, सब जगह। तो जो मेथड होता है इंटरफेस के अंदर उस, वो पब्लिक डिफाइन है, तो जब उसको ओवरराइड करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ही यूज़ करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का। इसके अलावा हम कोई और दूसरा एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। आया समझ में? हम प्रोटेक्टेड नहीं लगा सकते, हम डिफॉल्ट नहीं लगा सकते, हम प्राइवेट नहीं लगा सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन इंटरफेस एक्सटेंड अ क्लास? क्या इंटरफेस क्लास को एक्सटेंड कर सकता है? नहीं आंसर है कर सकता नो सर। सर, नहीं कर सकता नहीं, सर। नहीं कर सकता भाई। ठीक है, नो, इंटरफेस डोंट एक्सटेंड क्लास बट कैन एक्सटेंड अदर इंटरफेस। जो इंटरफेस होता है वो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता बट दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, बताया था मैंने कल कि एक इंटरफेस है वो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता बट दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइक क्लास डज इंटरफेस आल्सो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास बाई डिफॉल्ट? अब देखो ये क्वेश्चन शायद अभी समझ में ना आए। क्या है ये क्वेश्चन? कि जब हमारी कोई क्लास होती है, जैसे हमने कोई क्लास डिफाइन की, यहाँ पे आपको टेस्ट क्लास दिख रही है, इसकी कोई पेरेंट क्लास है? इसकी कोई पेरेंट क्लास दिख रही है आपको? नहीं सर। नो। बट नहीं सर। जावा में जो भी हम क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो भी हम क्लास डिफाइन करते हैं उसकी एक पेरेंट क्लास होती है और उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन भी आगे क्लियर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है जो जावा ने हमको दी है। तो जब भी हम कोई अपनी क्लास बनाते हैं, तो उसकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है? ऑब्जेक्ट क्लास, ये याद रख लो। ठीक है, तो हर एक क्लास जो हम बनाते हैं, उसकी पेरेंट, चाहे हम बनाएं या फिर जावा ने हमको दी है, जैसे कोई स्ट्रिंग क्लास हो गई, ठीक है, जितनी भी क्लास है, सिस्टम क्लास हो गई, सारी जितनी भी क्लासें हैं जावा में, उन सब की पेरेंट क्लास कौन सी क्लास होती है? ऑब्जेक्ट क्लास। सारी जावा में जितनी भी क्लासें होती हैं, चाहे वो हम बनाएं या चाहे जावा ने हमको बना के दी हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गई, सिस्टम क्लास हो गई, उन सब की पेरेंट क्लास कौन सी क्लास होती है? ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके मेथड कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के, वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी याद रखो कि सारी जितनी भी क्लासें होती हैं, उन सब की पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है, लाइक क्लासेस, जैसे डज इंटरफेस आल्सो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास बाई डिफॉल्ट? जैसे जितनी भी क्लासें होती हैं उनकी बाई डिफॉल्ट पेरेंट क्लास कहें या जो भी क्लास है वो एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को बाय डिफॉल्ट। तो क्या इंटरफेस की भी डिफॉल्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है या नहीं होती है? तो इंटरफेस की कोई भी डिफॉल्ट क्लास नहीं होती है, या ठीक है, ये और कहें तो इंटरफेस की डिफॉल्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास नहीं होती है। ऑब्जेक्ट क्लास किसकी पेरेंट क्लास होती है? सारी की सारी क्लासेस की। आ रही बात समझ में?
जितनी भी क्लासेस है जावा में, चाहे वो हम बनाए या जावा ने हमको दी, उनकी पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। बट जितने भी इंटरफेस है, चाहे वो हमने बनाए हो या जावा हमको देती है, उनकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है, सिंपल भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इंटरफेस हैव स्टैटिक मेथड? क्या हम इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड डिफाइन कर सकते हैं? नो नो सर। ओके चलो ट्राई करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस ए बना लिया हमने, ठीक है। ओके पब्लिक स्टैटिक वॉइड एम, ठीक है। और अब स्टैटिक लगा देते हैं, तो क्या हम स्टैटिक नहीं लगा सकते? ठीक है, स्टैटिक इंटरफेस के अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसके संग हम स्टैटिक यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड है वो इंटरफेस के जो मेथड होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, याद रखना, अब्स्ट्रैक्ट मेथड पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What will happen if we define a concrete method in an interface in Java? Java का जो interface है उसके अंदर हम concrete method, concrete का मतलब होता है ऐसा method इसकी body हो, ठीक है, जो abstract ना हो, क्या वो define कर सकते हैं हम interface में? Interface में हम method की body दे सकते हैं, या फिर और अगर मैं कहूँ क्या interface के अंदर मेथड की बॉडी दे सकते हैं नो? ठीक है, नो। अच्छा ओके, व्हाट विल हैपन इफ वी डिफाइन अ कॉन्क्रीट मेथड इन एन इंटरफेस इन जावा? तो आंसर क्या होगा? क्या वो ये पूछ रहा है कि अगर कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन किया इंटरफेस में तो क्या होगा, क्या होगा? एरर आएगी यार, और क्या है? कंपाइल टाइम एरर आएगी, ठीक है। तो अगर हम एक कॉन्क्रीट मेथड का है या मेथड की बॉडी देते हैं किसमें, इंटरफेस में, तो कंपाइल टाइम एरर आती है। बट अगर मैं इसके आगे एक कीवर्ड और लिख दूं, मैंने क्या लिखा, डिफॉल्ट, तो एरर हट गई, अब इसके अंदर मैं बॉडी भी दे सकता हूं। कुछ दिखा, अगर मैंने इसके आगे डिफॉल्ट लगा दिया इस मेथड के आगे, और इंटरफेस के अंदर हमने पढ़ा है कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ठीक है, बॉडी नहीं दे सकते। बट यहाँ पे मैंने मेथड के आगे डिफॉल्ट लगा दिया और मैं बॉडी भी दे पा रहा हूँ, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये जो डिफॉल्ट कीवर्ड है या जो डिफॉल्ट मेथड हम बना सकते हैं वो किस में बना सकते हैं? जावा 8 में ये फीचर आया है कि आप मेथड की बॉडी दे सकते हैं, बट उस मेथड को आपको कैसा बनाना पड़ेगा? डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। ये हम जब पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम जावा 8 के फीचर पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि क्या आप इंटरफेस के अंदर कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नो, बट हम डिफॉल्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं। कि जो अगर वो पूछते हैं डिफॉल्ट मेथड क्या, डिफॉल्ट मेथड का मतलब क्या, कि मेथड विथ डिफॉल्ट कीवर्ड, ठीक है, डिफॉल्ट कीवर्ड लगा दो और फिर उसमें आप जो बॉडी देनी है बॉडी दे सकते हो, ठीक है। तो हम नॉर्मल मेथड तो डिफाइन नहीं कर सकते, ओनली अवश्यक मेथड डिफाइन कर सकते हैं, बट हम डिफॉल्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेस में, और वो भी कौन से वर्जन से? जावा 8 से। जावा 7 अगर वर्जन यूज करोगे तो उसमें आप डिफॉल्ट मेथड डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये फीचर आया ही नहीं था। ये डिफॉल्ट मेथड का जो कॉन्सेप्ट है या जो फीचर है वो किस में आया? जावा 8 में। आई बात समझ में? कंफ्यूजन कोई?
नो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. कैन नो सर, थैंक यू। कैन वी क्रिएट नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन एन इंटरफेस? क्या हम इंटरफेस में नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं? नॉन स्टेटिक यस चेक कर सकते हैं। यस नो. देखो, यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं नॉन स्टैटिक. यस सर, कर सकते हैं। अगर कहिए तो फिर डिफॉल्ट नहीं आता और वो चलो और कहाँ कर पा रहे हैं हम? ये तो वेरिएबल है। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ. आप क्या सोच रहे थे? सोच मेथड सोच रहे थे हम तो। क्यों रहे थे? सामने लिखा है, पढ़ नहीं रहे थे? और मेथड भी डिफाइन नहीं कर सकते स्टैटिक तो. अभी ये ऊपर ही बताया है, क्या इंटरफेस है स्टैटिक मेथड. नॉन स्टैटिक मेथड मैंने, तो इसलिए हम आइडिया लगा रहे थे कि डिफॉल्ट कर सकते हैं। नो, ठीक है. नो, क्या है? अब देखो, अगर आप ये बोलोगे वी कैन नॉट क्रिएट नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन इंटरफेस, इफ वी ट्राई टू क्रिएट नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स कंपाइल टाइम एरर कम. ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ पर कुछ बहुत 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 बारीक चीज़ है. ठीक है, बहुत बारीक चीज़ है, वो आप समझना. ठीक है, मेथड डिक्लेरेशन और स्टैटिक. देखो अभी ये एरर दे रहा है, स्टैटिक हमने डिफाइन किया, ये हमको एरर दे रहा है. हमने वैल्यू दे दी, अब ये एरर नहीं दे रहा है. क्या कोई इसका रीज़न बता सकता है दिमाग लगा के, कि वैल्यू दे रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि क्या हमने क्वेश्चन उसने बारीकी से पूछा, क्या हम इंटरफेस के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं? अकेला स्टैटिक क्वेश्चन पूछा और बोल रहा है डिफाइन करना, मतलब कुछ वैल्यू असाइन नहीं की हमने. एक को कोई वेरिएबल डिफाइन किया, मान लिया स्ट्रिंग नेम, मान लो हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है और उसको स्टैटिक डिफाइन किया है. ठीक है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है. और जैसे ही हमने इसको कुछ वैल्यू दे दी तो ये एरर नहीं दे रहा. ऐसा क्यों हो रहा है? सर स्टैटिक वर्ड लगाए ना स्टैटिक से क्या हो गया? सर, स्टैटिक से इसको मतलब वो वैल्यू देनी पड़ेगी, असाइन करनी पड़ेगी ये स्टैटिक से होता है? सर। स्टैटिक वन टाइम मांगता है ना सर, वन टाइम। नहीं, मांगता है. अगर नहीं दोगे तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी. हाँ सर, सर ये स्टैटिक में, सर इसमें इंटरफेस में स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल तो डिक्लेयर कर सकते हैं ना। वो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कंपाइलर जोड़ देगा. लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने नाम डिफाइन किया है तो स्टैटिक एरर दे रहा है. ठीक है, और अगर सर मैं, मैं बताऊं हाँ जी बताओ. सर, इसमें ऐसा हो रहा है सर, स्टैटिक में जैसे इंटरफेस है ये, तो आगे चल के इसमें कोई अपन करेक्शन तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे ही वैल्यू देना पड़ेगी अपने को। आप काफी हद तक सही हो. अच्छा, काफी अच्छा सोचा आपने. और कोई आइडिया लगा पा रहा है? देखो, मैं नाम को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ तो एरर दे रहा है, स्टैटिक लगा हुआ तब भी. बट जैसे ही मैंने नाम को वैल्यू दे दी, कुछ भी असाइन कर दिया इसको, तो एरर चली जा रही है.
ऐसा क्यों हो रहा है? एक चीज और है सर, मैं इसमें स्टैटिक लगा है तो स्टैटिक तो कंपाइल टाइम पे ही रन हो जाएगा, तो इसमें ये भी एक नहीं देखो, जब हम देखो क्या होता है, जब मैंने इतना किया इसको, इतना किया तो क्या होता है, कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डिफॉल्ट वैल्यू फाइनल। नहीं, कंपाइलर इसमें फाइनल लगा देगा, ठीक है, फाइनल लगा देगा। और जो फाइनल वैल्यू होती है उसको जहाँ पे आप डिक्लेयर करती हो, जहाँ पे फाइनल कोई वेरिएबल है, जहाँ पर डिक्लेयर किया उसको वहीं पे आपको असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहीं पे असाइन कर दिया इसको वैल्यू, तो एरर हट गई। और अगर आप सोचो कि जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया वैल्यू बाद में देंगे, तो फाइनल के संग ये काम नहीं होता। फाइनल मतलब अभी की अभी बताओ, जैसे हम कहते हैं ना भाई मूवी चलेगा या नहीं चलेगा, अभी की अभी बता फाइनल डिसीजन। तो मतलब क्या है कि जो वैल्यू आप दे रहे हो, जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, उसकी जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसको अभी की अभी वैल्यू दो। अगर आप सोच रहे हो बाद में देंगे, अब मैंने यहाँ पर डिफाइन किया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने सिर्फ डिफाइन किया, वैल्यू नहीं दी है, तो मैं इसको वैल्यू कब दूंगा? बाद में। लेकिन फाइनल क्या कहता है, अभी की अभी वैल्यू दो। तो यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए एरर मार रहा है। जैसे ही मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको, तो इसको वैल्यू मिल जाती है, तो एरर नहीं देता है। आ रही है बात समझ में, पकड़ में? ये जो पॉसिबल यस हो, सर, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक का भले ही हम समझें कि स्टैटिक का यह कोई रोल नहीं है, अगर हम फाइनल भी लगा दें, मेन खेल है फाइनल का, कि फाइनल को चाहिए जहाँ पे डिफाइन किया है वहाँ पे वैल्यू दो। स्टैटिक का काम होता है कि जब क्लास लोड होती है तब मेमोरी मिल जाए, एक टाइम मिल जाए, वो बात अलग है, लेकिन मेमोरी मिल जाए। बट फाइनल कहता है कि जहाँ पे तुमने डिफाइन किया है मुझे, वहीं की वहीं वैल्यू दो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सिंपल, वही एग्जाम्पल फिर से बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुझे पार्टी में चलना है तो अभी के अभी बता, ठीक है, फाइनल डिसीजन अभी बता, चल रहा है या नहीं चल रहा। इसी वजह से जब जब भी हम इंटरफेस में, अगर वो बोलता है कि आप फाइनल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वैल्यू को असाइन, अगर हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं तो हम कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि फाइनल भी दे दें और वैल्यू कुछ ना दें, तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, अगर हम सिंपल ये दें तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इतना दे रहे हैं नॉर्मली क्लास में हम कर सकते हैं। नॉर्मली क्लास में अगर यही चीज़ मैं नॉर्मली क्लास में करूं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटरफेस में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में ये करूंगा तो चाहे मैं डिफाइन करूं या नहीं करूं, इंटरनली वो क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट करेगा? इसमें। जब इसमें करेगा स्टैटिक फाइनल में। फाइनल में, तो फाइनल कहता है भैया जो वेरिएबल तुमने जहाँ डिफाइन किया वहीं मुझे वैल्यू दो, तो तुम्हें यहाँ वैल्यू देनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक को हम स्टैटिक डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, बट उसकी वैल्यू अगर हम दे रहे हैं जो वेरिएबल है तो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, पकड़ में आई मेरी बात? यस सर, वो इससे तो सर वो स्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी सर ये तो। हाँ जी, जो इंटरफेस के अंदर होती है वो सारी की सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। यस सर, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट इनिशियलाइज वेरिएबल इन जावा इंटरफेस? अब वही क्वेश्चन आ गया कि अगर इंटरफेस में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करें तो क्या होगा? मतलब सीधा है, ये जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है इसको इनिशियलाइज, मतलब वैल्यू ना दें, क्या होगा? क्या हो रहा है अभी आपके सामने? एरर आएगी कंपाइल टाइम सर, एरर आ रही है। एरर आएगी, ठीक है। तो आंसर है कंपाइल टाइम एरर विल कम बिकॉज कंपाइल बाय डिफॉल्ट वेरिएबल विल बी पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल, सो नीड टू बी इनिशियलाइज। फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन वी नीड टू यूज एक्सटेंड एंड इम्प्लीमेंट। एक्सटेंड कीवर्ड और इम्प्लीमेंट का कीवर्ड का कहाँ कहाँ यूज होता है, बता सकता है कोई? एक्सटेंड का यूज कहाँ करते हैं और इम्प्लीमेंट का यूज कहाँ करते हैं? क्लास के अंदर एक्सटेंड का और इंटरफेस के अंदर एम्प्लीमेंट मैं कुछ समझ नहीं रहा, कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? सर, मैं बताऊं, हाँ जी बताइए। जब किसी पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी होती है तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं,
और हम और इंटरफेस को अगर दूसरी इंटरफेस में करते हैं तो इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में करते हैं तब इम्प्लीमेंट का करते हैं। नहीं सर, तो एक्सटेंड का करेंगे सर, क्लास देखो देखो का और एक इंटरफेस में करते हैं तब इम्प्लीमेंट क्लास करेंगे। और इंटरफेस करेंगे तब क्लास इम्प्लीमेंट। हाँ सर, वो इंटरफेस का यूज क्लास में करेंगे। क्लास टू क्लास एक्सटेंड, इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड, ठीक है। क्लास को, एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड करते हैं, एक इंटरफेस को भी दूसरी इंटरफेस में एक्सटेंड करते हैं, बट एक क्लास दूसरे एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो सेम सेम जो होंगे, क्लास क्लास क्या हो या इंटरफेस इंटरफेस का हो, ये दोनों काम करते हैं एक्सटेंड का यूज़ करते हैं, और एक क्लास इंटरफेस के साथ यूज़ करती है इम्प्लीमेंट कीवर्ड का, ठीक है। याद रखना, क्लास 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 या इंटरफेस इंटरफेस ये एक्सटेंड का यूज़ करते हैं, और क्लास और इंटरफेस ये इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एन इंटरफेस इन जावा, क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? नो सर, नो, क्योंकि जब इंटरफेस में हम नो सर, कंस्ट्रक्टर ही डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसका ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको कंस्ट्रक्टर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डिक्लेयर इंटरफेस एज फाइनल, क्या हम इंटरफेस को फाइनल डिफाइन कर सकते हैं? जैसे नो सर, इंटरफेस इंटरफेस बनाते हैं तो उसको फाइनल डिफाइन कर सकते हैं? नो, क्यों नहीं? नो सर, इंटरफेस के अंदर फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं इंटर क्वेश्चन तो समझो यार, मैं इंटरफेस के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कैन वी डिक्लेयर इंटरफेस एज फाइनल, क्या हम इंटरफेस नहीं को फाइनल नो सर, डिफाइन नहीं कर सकते क्यों हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि सर उन्हें आगे क्लास में वैल्यू देना होती है ना उनके वेरिएबल्स, और उनको अगर फाइनल कर देंगे तो आगे वैल्यू नहीं दे पाएंगे। हाँ सर, इंटरफेस को कुछ पता ही नहीं था। देखो, वेरिएबल को वैल्यू नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वेरिएबल जो डिफाइन है वो तो फाइनल ही है, उनको आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सब क्लास में वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो तो उससे पहले से फाइनल है और वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक और फाइनल दोनों है। आप वैल्यू किन की चेंज करते हो या ओवरराइड किसको करते हो? मेथड को, ठीक है। अगर आपने इंटरफेस फाइनली बना दिया तो उसकी जो मेथड है उसको बॉडी कैसे दोगे, क्योंकि वो फाइनल हो गए, इसलिए इंटरफेस को फाइनल नहीं बना सकते, ठीक है। अगर फाइनल बनाते हैं तो कंपाइल टाइम मेथड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑल द मेथड ऑफ एन इंटरफेस इन अ क्लास विच इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक इंटरफेस है, इसके इसमें दो मेथड है मैंने डिफाइन किए, पब्लिक वॉइड M1, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मैंने नहीं लगाया, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर लगा देगा। म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है? ओके, प्लीज म्यूट कर लो। इम्प्लीमेंट किया ए, अच्छा ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड को बॉडी दे दी, एक मेथड को बॉडी दे दी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्लास जो है वो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो अगर उस क्लास ने जो इंटरफेस के जितने भी मेथड थे, हमारे केस में दो मेथड है, उनको सारे मेथडों को बॉडी नहीं दी, तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर सारे सारे मेथडों को बॉडी नहीं दी, तो क्या होगा? क्या होगा? हमने एक मेथड को तो दे दी M1 को, M2 को नहीं दी, तो क्या होगा? आगे तक एरर बताएगा जब तक, अगर बोल्ड बोल नहीं देंगे अपन तो। अच्छा, इसका कोई सॉल्यूशन है? कोई दिमाग में सॉल्यूशन आ रहा है कि हमने एक मेथड को बॉडी दे दी है और एक मेथड को नहीं दी, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है कि हम इस एरर को हटा सकें? किसको उसे प्राइवेट बना दो ना सर, प्राइवेट बना दो? मेथड को कौन से मेथड को? M2 को। M2 को यहाँ पे?
यहाँ पे प्राइवेट ड्राइवर तो बना ही नहीं सकते। हाँ सही बना बना ही नहीं सकते। तो ही नहीं सकते वो अपनी। ऐसा ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि हम इसे एरर को हटा सकें? सर इसकी पेरेंट क्लास बना सकते हैं, उससे क्या होगा? जैसा जो इंटरफेस में जो मेथड वेरिएबल डिफाइंड है इसको अपन बॉडी दे सकते हैं, तो मैं वही तो कह इसी रहा हूँ, पेरेंट वो क्लास बॉडी बनाएंगे तो तो। पेरेंट क्लास तो बनाई ही हमने। टेस्ट जो है वो पेरेंट क्लास है एक ही इंटरफेस की इसके, और जो चाइल्ड क्लास है टेस्ट उसके अंदर एक मेथड को बॉडी दे दी, दूसरे की दी नहीं है, और वो बोल रहा है कि दोनों मेथडों को बॉडी दो। क्योंकि ये रूल भी है कि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसके सारे मेथडों को बॉडी देनी होती है। तो हमने एक को दे दी, एक को नहीं दी, अब वो एरर मार रहा है। तो क्या यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है जिससे हम इस एरर को हटा सकते हैं? अच्छा अब ये बताओ, इस टेस्ट जो क्लास है इसके अंदर कितने मेथड आ गए? जब हमने इसको इम्प्लीमेंट, इसको चाइल्ड क्लास बना दी, तो इसके अंदर कितने मेथड आ गए? दोनों आ गए बल्कि दोनों आ गए, दोनों आ गए, दो मेथड। एम्बुलेंस। हाँ अच्छा, सर एम वन और एम टू, सर और एम वन और एम टू आ गए, और एम टू कैसा आया है जिसकी बॉडी नहीं है, और एम वन कैसा आया है जिसकी बॉडी है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड हो सकते हैं, आया ना? यस तो अगर मैं इस क्लास क्लास को को अब्स्ट्रैक्ट बना दूं तो सॉल्व हो गई मेरी प्रॉब्लम, मैं मतलब एरर हट गई, ठीक यस सर। है? तो एक हम ऐसा कर सकते हैं, अगर सारे के सारे मेथड किसी क्लास में चाइल्ड क्लास बनाई और सारे मेथड को ओवरराइड नहीं किया, मतलब सारे मेथडों को बॉडी नहीं दी, तो एक सॉल्यूशन ये है उसका, तो उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो, ठीक है? तो जितने मेथड की बॉडी आपको देनी है उतनी दे दी, और नहीं देनी उसके लिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो। अब क्या होगा, अगर हमें और आगे प्रोसेस करना है तो हम एक और क्लास बना लेंगे और उसको एक्सटेंड किससे कर देंगे, अब इस वाली टेस्ट क्लास से। और जो एम टू मेथड आया है इसमें, एम वन इसमें से आ जाएगा और एम टू को हम उसमें बॉडी दे सकते हैं अपनी में, ठीक है? बात पकड़ में आई? यस सर ठीक है, ओके, तो ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों को कॉल हो जाएंगे जो हाँ जी, अगली चाइल्ड क्लास बनाएंगे अपन उसकी मेथड से हो जाएगा हाँ जी, सारा हाँ जी, काम हाँ जी, हाँ जी, सारा सारा काम उससे हो जाएगा, उसके ठीक है? ऑब्जेक्ट से। तो ये सर कुछ, एक क्वेश्चन हाँ ऐसा जी, यहाँ हाँ जी, हाँ जी, सर, इंटरफेस को अपन कैपिटल स्मॉल दोनों नाम दे सकते हैं क्या? जी नहीं, जो रूल क्लास के लिए होते हैं वही रूल इसके लिए है, इंटरफेस के लिए। स्टार्टिंग कैपिटल्स तो है, आपने मतलब ये जो दिया है वो कैपिटल दिया है, वो पहले जो दिया था वो स्मॉल दिए थे दूसरे कहाँ पे ये इंटरफेस ए। जो हाँ नाम दे रहे हो, नहीं इंटरफेस तो बना रहे हैं अपन इसको ए, ये आई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ए ये की ए बोल रहे ए हो ना? फोर हाँ एप्पल ये बना है इंटरफेस के बाद। हाँ हाँ तो दोस्त देखो, रूल है कि आप क्लास का नाम है वो एक एक अच्छी हैबिट है। क्लास का नाम क्या है रूल, क्लास का नाम आप कैपिटल से स्टार्ट करो, ठीक है? जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो रूल क्या है, हेलमेट लगाओ, स्पीड कम चलाओ, बट अगर आप बिना हेलमेट के भी गाड़ी चलाते ही हो तो ऐसे ही हम स्मॉल बना लें, कुछ भी बना लें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। बट एक बेस्ट प्रैक्टिस कहें या एक रूल कहें, एक गाइडलाइन कहें, जैसे आपके लिए गाइडलाइन क्या है कि हेलमेट लगाओ, बट आप हेलमेट नहीं लगाते, इसका मतलब आप गाइडलाइन तोड़ रहे हो। तो ऐसी क्लास है या इंटरफेस है, आप बना सकते हो स्मॉल से, एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा। आप मेथड का नाम मैं बोलता हूँ स्मॉल से चालू करो, आप कैपिटल से चालू करो, कोई एरर नहीं आएगी। बट एक रूल्स होता है, ठीक है? अगर आप तो हमें एक अच्छे बिहेवियर, जैसे अच्छा बिहेवियर बोलते हैं ना, इंसान का अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसे ही एक अच्छा वेल डिफाइंड नाम हमें डिफाइन करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरह का नाम होना चाहिए, या इस तरह कोई भी नाम हो। जैसे आपका नाम है, आपका नाम नरेश हो गया, मेरा नाम घनश्याम हो गया, अब नाम कोई ऊटपटांग लिखी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ऐसे ही मेथड के नाम या क्लास के नाम, उनने एक गाइडलाइन दी है कि नाम ऐसे होने चाहिए कि आप क्लास का नाम स्टार्टिंग में कैपिटल से स्टार्ट करो, ठीक है? इंटरफेस का नाम भी कैपिटल से स्टार्ट करो, मेथड का नाम स्मॉल से स्टार्ट करो, ठीक है? सर क्लास का जो नाम बनाने का रूल है वही इस पर जी, इंटरफेस कि पर क्लास अप्लाई का, है। हाँ जी, क्लास का इंटरफेस का रूल सेम है और वेरिएबल और मेथड का रूल सेम है, ठीक है? वो अपन अपन पढ़ चुके हैं शायद दूसरी तीसरी क्लास थी, हाँ
वही वही रूल है, हाँ वो तो पढ़ता वेरिएबल और मेथड का रूल सेम है और क्लास का और इंटरफेस का रूल सेम है। है। ओके सर।